के लिए स्थगित कर दिया गया है। लगातार हंगामेदार कार्यवाही आज राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा की भी रही है। जॉर्ज सोरोस का मुद्दा यहां पर लगातार गर्माता नजर आ रहा है, जिसके चलते आज भी लोकसभा तो लगातार हम देख रहे हैं स्थगित हो ही रही है, और राज्यसभा की कार्यवाही को फिलहाल कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जॉर्ज सोरोस का यह मुद्दा, जिसको लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। तो राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, जॉर्ज सोरोस का मुद्दा एक बार फिर गूंजता नजर आया। हंगामेदार कार्यवाही यहां पर हुई और कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर अब आमने सामने यहां पर होते नजर आ रहे हैं। कार्यवाही बाधित हो रही है राज्यसभा की और फिलहाल कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है राज्यसभा की कार्यवाही। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ लोकसभा भी लगातार हंगामेदार उसकी कार्यवाही चल रही है। दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था लोकसभा की कार्यवाही को, और अब बड़ी खबर यह आ रही है कि राज्यसभा की कार्यवाही को भी कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये तमाम षड्यंत्रकारियों के बावजूद भी हम तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में षड्यंत्र कर रहे हैं, दुनिया हमसे पूछ रही है कि कैसे यह हो पाया है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे लोग उद्वेलित हैं, चिंतित हैं, और हमारी जवाबदेही है कि इसका जवाब हम साधारण लोगों को दे सके, और देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित होकर के आगे बढ़ेगा। प्रमोद तिवारी पूरा विश्वास है कि व्यवधान में जैसे आपने उनको सुना है, मुझे भी आप मौका देंगे। जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है, मैं इसका खंडन करता हूं। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे वो कह रहे हैं उनके आधार नहीं, हमारे पास आधार है। एक न्यायालय ने संज्ञान लिया है 23,000 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया गया है, इनके अधिकारियों को दिया गया है। अडानी मुद्दे पर आप चर्चा कराइए, हम अपनी बात रखेंगे और सरकार को पूरा मौका मिलेगा। इन्होंने अडानी ने 23,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार को दिया है, ये मेरा निश्चित आरोप है। मैं साफ कर देना चाहता हूँ, तो बता दें आपको, जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर लगातार हंगामेदार कार्यवाही यहां पर राज्यसभा की रही है। कल भी इस मुद्दे को लेकर जमकर घेरती नजर आई थी बीजेपी, यहां पर कांग्रेस को राज भी यही सवाल उठाते नजर आए जेपी नड्डा। तो सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है लोकसभा की कार्यवाही। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर ही आज फिर हंगामा हुआ। जाहिर तौर पर यहां पर, और देखिए हंगामेदार कार्यवाही यहां लगातार लोकसभा की भी देखने को मिल रही है, और लोकसभा को भी कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। तो लगातार यहां पर मुद्दों के चलते सदन नहीं चल पा रहा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की ही कार्यवाही लगातार स्थगित हो रही है। और अब मुद्दा उठ रहा है जॉर्ज सोरोस का, जिसको लेकर लगातार बीजेपी कांग्रेस को घेरती नजर आ रही है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम नेताओं सहित पूरे ही गांधी परिवार की आलोचना करने के लिए सोरोस के नाम का सहारा लिया है। अब यहां पर बीजेपी की तरफ से लिया गया है, अब जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर यहां कांग्रेस को घेरती नजर आ रही है बीजेपी, और इसके चलते लगातार सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है, हंगामेदार रही है।
कल तक के लिए स्थगित है दोनों ही सदनों की कार्यवाही।